तोलो नंगल के रहने वाले अपने जीवन की गवाही के विच दस ने 15 दिन तो इस सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार सी और पास्टर जी इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स कराइया इन्हों के लीवर के लीवर फैटी आया और पास्टर जी ये दसते हैं कि 8 दिन तो ये कुछ भी ना खाना खा रहे थे, सिर्फ ये पानी से अपना जीवन बतीत कर रहे थे, सिर्फ पानी पी के। और पास्टर जी बहुत बार इस सिस्टर दसते ने इस भवन के आए और तुहाडे द्वारा प्रार्थना की गई और ये जो सिस्टर बैठते थे अज बिल्कुल फ्री ने प्रभु यीशु के नाम च। इस गवाही प्रभु जी का दास दा परमेश्वर जी का धन्यवाद कर दे। ये पूरी गवाही दे ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਚੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਂਗਲ ਜੁੱਡੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਾਚੀ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਜੁੱਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ और उस तो बाद घर गए उल्टियां आईया जो उल्टियां आईया तो ओदे विचो तुहानू की किड्डी किड्डी तगड़ी चीज जो निकली अंदरों उंगल जिड्डी लंबी वो बाहर निकली और उस दिन तो बाद फ्री हो त्रिपका टच एक बार जोर नाल बोलो डॉक्टर मन तो बोलो डॉक्टर दिल तो बोलो डॉक्टर सब बोलो हालेलुया किन्नू किन्नू समझ आई अगवाई अच्छ जिहड़ा मसा है जगत वह मसा जो तुम अधीन होंगे विश्वास दे नाल आओगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च सब बंधन टुटणगे खादा पीता बाहर आएगा। जद प्रार्थना करवा के गई ये बेटी बड़ी बड़ी परेशान सी बहुत शरीर कमजोर सी इहदा जदों इहनू प्रार्थना होई ले हैंड प्रार्थना होई घर गई उल्टिया द्वारा जो भी अंदर दुष्ट आत्मा का पैरा जो भी खादा पीता जिहड़ा चक्कर सी वह बाहर आया और उस दिन तो बाद बोरी मैं दवाई खा रही है लग रही है अज मैं फ्री हाँ अज मैं चंगी हाँ अज मैं बैठ सकती हाँ शोर नाल मैं परमेश्वर सब लो हालेलुया। पहला बेटा बैठे भी नहीं जाता सी हफ्ता कुछ नहीं खादा जो तुम इतने आए प्रार्थना भी फ्री उस दिन उदो दिन तो बाद ताकत होनी शुरू हुई ये तारीफ घट है चार दिन मैं करो परमेश्वर की।